this is Umar and welcome back on One Street Belongs. Don't forget, this channel is all about settlement, business growth and tourism. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे what is GSS, Global Sales Solution and Call Center Services. मैंने कुछ a couple of days before मैंने एक वीडियो अपने बना के अपलोड की थी चैनल पे. अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, kindly देख लीजिएगा. और उसके बनाने के बाद मुझे लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया, इंस्टा पे मैसेजेस आना शुरू हो गया कि यार थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज जीएसएस, ग्लोबल सेल सॉल्यूशंस, क्या सर्विसेज दे रहा है और क्या इसकी कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स हैं. तो सोचा कि इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी वीडियो बना ले. तो वीडियो के ऊपर चलने से पहले और थोड़ा सा ऑफिस का टूर ले लेते हैं. आ जाओ. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس So viewers, ये है GSS Global Sales Solution and Call Center Services का office इज़मिर कोजेरी टर्की में. Now before I proceed and tell you about what is GSS Global Sales Solution and Call Center Services, let me give you the quick review of a One Street concept कि मैं One Street को market में क्यों लेके आया. Back in 2019 or at the beginning of 2020, when I was trying to reallocate myself from Pakistan to anywhere else in the country, which includes Canada, Europe, काफी सारे countries थे, Gulf side, और छोटे मोटे island like Seychelles, Vanuatu, Montenegro. I was doing a little bit research that which country or island is suitable for me and my family. Turkey was top on my list. I chose Turkey. While having a research, I analyzed कि यार के काफी सारे vloggers एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो बहुत चूजी होकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कोई अगर टूरिज्म के ऊपर बात कर रहा है तो उसके मोस्टली व्लॉग्स जो हैं वो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर होंगे. कोई अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए पुश कर रहा है कि इस कंट्री के अंदर
ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें आके आप इन्वेस्ट करें। कोई अगर प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो कह रहा है कि इसमें प्रॉपर्टी का बूम आ रहा है, प्रॉपर्टी आके परचेज करें। अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। इन रिगार्ड्स फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मेरा थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है चीजों को देख रहेगा। मैं किसी को ये नहीं कहता कि इस कंट्री के अंदर ये बिजनेस जो है बूम पे जा रहा है और इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी की बॉटल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये पानी की बॉटल है, कुछ कहेंगे यार पानी की बॉटल है और इसमें इतना सा पानी है। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसको कहूंगा यार पानी की बॉटल है लेकिन हाथ से ज्यादा एम्प्टी है। इसी तरह हर बंदे का बिजनेस को एनालाइज करने का, स्टडी करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं किसी को पुश नहीं करता कि इसके ऊपर आके आप इन्वेस्ट करें। वन स्ट्रीट को लेकर आने का बेसिकली कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटरटेनमेंट भी मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हम बात भी करें, आप लोगों के सजेशंस आप मुझे दें, हम उसके ऊपर आगे आर्ग्यू करें, बहस करें, और साथ साथ सेटलमेंट के ऊपर बात करें कि यार टर्की ऑब्वियसली सिटीजनशिप दे तो रहा है, तो वो क्या तरीका कार है, वो किस तरह सिटीजनशिप मिल सकती है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें हों। दिस इज बेसिकली द वन स्टेट ब्लॉग्स। ये वन स्टेट को बनाने का एक मेजर प्रोस्पेक्टिव था कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकूं। नाउ व्हाट इज जीएसएस, ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशन एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। सो नाउ व्हाट इज जीएसएस, ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशन एंड कॉल सेंटर सर्विसेज। सिंपल रखते हैं, जीएसएस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफिशियल फॉर्म ऑफ वन स्ट्रीट। तो जो सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स की बात हम वन स्ट्रीट के ऊपर करेंगे, जीएसएस उनको ऑफिशियल और लीगल वे से सर्व करेगा। And it is registered under the article of 573 Turkish code. So it's an official and legal organization in Turkey. इसमें कुछ है। अब projects क्या-क्या हैं जिनमें GSS अपनी services serve कर रहा? First project, call center and sales solution. What is call center? बहुत सारे लोगों को idea होगा कि call center services किया है। थोड़ा सेलिब्रेट कर देते हैं उनके लिए जिनको नहीं पता। तो जिस तरह आप जोंग की और मोबिलिंग वगैरह की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सेम लाइक कस्टमर सर्विसेज कॉल सेंटर यही है कि इसमें या तो आप कॉल करते हैं या कॉल सेंटर की तरफ से कॉल आती है। कोई भी इसमें दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आउटबाउंड और इनबाउंड। आउटबाउंड में आपको फॉर एग्जाम्पल जोंग की तरफ से कॉल आती है और आपको बताते हैं कि आपका ये पैकेज जो है हम लोग दिया गया नया पैकेज और ये सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, एक्टिव करते हैं या नहीं करें। ये आउटबाउंड हो गया कि कॉल सेंटर ने आपको कॉल की। इनबाउंड में आप लोग कस्टमर्स जो होते हैं वो कॉल सेंटर पे कस्टमर सर्विसेज पे कॉल करते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ गई। सो दिस इज द कॉल सेंटर ओवरव्यू। करंटली हम लोग यूएसए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मेडिकल बिलिंग हमारा मदर प्रोजेक्ट है और सेकेंडली प्रिंटिंग और पैकेजिंग के प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग यूएसए कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। Now we are looking for German companies, Russian companies, Spanish companies. इनके साथ हम लोग अब काम करना चाह रहे हैं और इनके projects लेंगे। जो हमारा पाकिस्तान में back office है वहां पर start करेंगे या फिर हम इसे outsource करेंगे, depend करता है कि project की nature क्या है और कितना workload है, हम लोग अकेले उठा सकते हैं उस workload को या किसी पाकिस्तान के call center के साथ या India के call center के साथ हम लोग उसके साथ joint venture करके उन्हें outsource करेंगे। सेकेंड नंबर पे टेम्परेरी रेजिडेंसी, टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई हैं और हम लोगों के यहाँ पे आएंगे, हम लोग उनका यहाँ पे TRC टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट उनको 1 year का दिलवा के देंगे, उनकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फाइल डिजाइन करेंगे और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जिसको गोचादारा कहते हैं वहाँ पे जाके सबमिट करवाएंगे। थर्ड नंबर पे जॉब प्लेसमेंट एंड वर्क परमिट्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर कि टर्की वर्क परमिट्स किस तरह देता है, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो भी काइंडली देख लीजिएगा। टर्की की हर कंपनी वर्क परमिट नहीं देती, बहुत स्पेसिफिक कंपनीज हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको वो कंपनीज पूरा करती हैं तो फिर ही जाके वर्क परमिट अलाउ होता है। जिस तरह अभी मेरी कंपनी स्टार्ट हुई है और अभी मुझे वर्क परमिट मैं नहीं दे सकता, किसी को अगर मुझे देना होगा तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट्स दे रही हैं एंड आई नो मोस्ट ऑफ देम। तो जॉब प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट की सर्विसेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको ऑफिशियली मैंने उसके लिए टीम हायर की है।
हम लोग हमें मुझे पता है और मैंने यहाँ पे रिसर्च की है कि वो कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट है, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि वर्क परमिट्स देती हैं। तो मैं ऑलरेडी उनके साथ कन्वर्सेशन में था बहुत अरसे से और फाइनलाइज मैंने कर लिया है कि अगर तो उन्होंने कोई फॉरेनर हायर करना है फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया, कहीं से भी अगर वो फॉरेनर, इंग्लिश स्पीकर उनको चाहिए, ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकर चाहिए होगा, इंग्लिश की यहाँ पर बहुत जॉब्स, इंग्लिश स्पीकर उनको चाहिए होगा, या उनको कोई जर्मन स्पीकर चाहिए होगा, या उनको कोई स्पैनिश स्पीकर चाहिए होगा, तो आप लोग मेरे पास रिज्यूमे अपना सेंड करेंगे, हमारी यहाँ पे एनालिस्ट है उसको वो स्टडी करेगा और प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज की उन कंपनीज को डायरेक्ट टच करेंगे और उनके अंदर आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करेंगे। कोई भी एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होगा किसी भी एप्लीकेंट को जॉब देने के लिए, तो वी विल गोना कॉन्टैक्ट विद दैट एम्प्लॉयर जिसने हमें अपने रेज्यूमे सेंड किया हुआ है कि ये कंपनी इंटरेस्टेड है, और इंटरव्यूज वगैरह होगा, आगे की सारा प्रोसीजर जीएसएस देखेगा। इसी तरह थर्ड फोर्थ सर्विस है हमारी रियल स्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, और ये मैंने ज्वाइंट वेंचर किया है सिटी एक्सपर्ट्स के साथ। सिटी एक्सपर्ट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इस्मित कोचेले, और मैंने मिस्टर शिलिप उनके साथ एक हाउ टू एस्टैब्लिश अ कंपनी उनके साथ एक वीडियो बनाई थी, एंड ही इज अ वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनी इन इस्मित कोचेले सिटी एक्सपर्ट्स। उनके दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रियल स्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बाय एंड सेल, और एज एन रियल स्टेट कोई भी किसी को कोई भी प्रॉपर्टी टर्की के अंदर खरीदनी है स्पेसिफिकली इस कोचेले एरिया में, तो रियल सिटी एक्सपर्ट इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ओवर हियर इन इस्मित। मैंने उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, तो किसी को भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हम लोग डायरेक्ट उन्हीं के पास भेजेंगे और वो आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, आपको प्रॉपर्टी साइट का विजिट करवाएंगे। सेम केस नेक्स्ट उनका प्रोजेक्ट है BeDistributor.com इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और मैंने उनके साथ अगेन इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी ज्वाइंट वेंचर किया क्योंकि उनके पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें शूज, लेडीज कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट्स, क्लोन्स, परफ्यूम्स और काफ़ी सारी इसमें जिसमें सोप्स हो गए, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स और भी जो जिसमें प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो किसी को भी इम्पोर्ट लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो GSS विल गोना सर्व हियर विद द जॉइंट वेंचर ऑफ सिटी एक्सपर्ट्स। और एस्टैब्लिश अ कंपनी इन टर्की वो सर्विसेज देंगे। उसके बाद IT सर्विसेज, यहाँ पर मैं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट मैं कर रहा हूँ और कोई भी IT रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली वो हम पाकिस्तान या इंडिया में आउटसोर्स करेंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया की वो कंपनीज जो के ऑलरेडी IT सर्विसेज में है और वो कंपनीज जो के ऑलरेडी कॉल सेंटर सर्विसेज रन कर रही हैं, तो क्योंकि अभी मैं हेड काउंट फॉरेन बेसिस के ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जर्मन स्पीकर्स चाहिए हो या टर्किश स्पीकर्स चाहिए हो तो मैं फॉरेन हेड काउंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट की नीड होती है। तो वो वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स के जिसमें हेड काउंट ज़्यादा चाहिए होगा तो उन कंपनीज के साथ जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया और UAE वगैरह में इनमें जो ऑलरेडी जिनके कॉल सेंटर्स है तो उनके साथ हम जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको उनके साथ प्रोजेक्ट अपना शेयर करेंगे। सो क्विक रिव्यू, कॉल सेंटर सर्विसेज, सेल सॉल्यूशंस, TRC टूरिस्ट रेजिडेंसीज परमिट, जॉब प्लेसमेंट, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है और ऑलमोस्ट फाइव मैंने HR ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज से मैंने बाकी है जो कि वर्क परमिट्स ऑफिशियली देती हैं, तो उनके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट हो गया है। और उसके बाद हाउ टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, उसके ऊपर लॉयर एडवाइजरी सर्विसेज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज और प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल सर्विसेज, ये डोमेन और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी GSS स्टार्टिंग में ऑफिशियली एक्टिव है और इसके लिए प्रॉपर टीम है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स है हु आर कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 5 or 6 years, इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आई हायर्ड अ टीम और ये एक्सपीरियंसेस मेरे GSS के लिए और आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब कोई आप में से कोई भी मेरे पास इंक्वायरी लेके आएगा तो मेरे पास प्रॉपर एक एक्सपर्ट बैठा हुआ होगा जो कि आपको प्रॉपर असिस्टेंस देगा।
सो ये है जीएसएस ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशन एंड कॉल सेंटर सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स और इसका ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन के जीएसएस जो है वो वन स्ट्रीट से अलग नहीं है, इट्स एन ऑफिशियल एंड लीगल फॉर्म ऑफ वन स्ट्रीट। और प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और अब जाके मैंने इसको ऑफिशियली जो है लॉन्च किया। तो आई ट्राइड माई बेस्ट के ये जी एस एस को एक प्रॉपर समझा सकूँ लोगों को कि ग्लोबल सेल्स सॉल्यूशंस बेसिकली क्या है और किसके साथ जॉइंट वेंचर है और किसके साथ आप फ्यूचर में जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं और किस तरह करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर करेंगे। तो किसी को कोई और चीज़ पूछनी हो तो काइंडली मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकता है, इंस्टा पे फॉलो कर सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, फेसबुक पे वन स्ट्रीट ब्लॉग्स का पेज है उसको फॉलो कर सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एंड में बेल आइकन हिट करना मत भूलना। टिल देन हैव अ गुड डे।